हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ोया शेख आपको अपने चैनल ज़ोया फैशन एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप अल्लाह ताला की रहमत से ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे आंखों के गिर स्याह हल्कों से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो से आपको फ़ायदा मिल सके। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आंखों के गिर स्याह हल्के पड़ने की असल वजूहात क्या है जिसकी वजह से हमारी आंखों के गिर स्याह हल्के पड़ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले है कि गैर मतवाजन गजा का इस्तेमाल। मसलन जैसे हम अपनी गजा का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, अपने आप को मतवाजन गजा नहीं देते, तो इसकी वजह से भी हमारी आंखों के गिर स्याह हल्के पड़ जाते हैं। उसके अलावा उम्र के मुताबिक मुनासिब घंटों की नींद में कमी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है हमारी नींद में कमी आ जाती है, जो कि आंखों के गिर स्याह हल्के पड़ने की बहुत बड़ी वजह है। और तफर्रुकात मसलन सोच विचार और परेशानियों में गिरे रहने से भी हम अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देते और इसकी वजह से आंखों के गिर स्याह हल्के पड़ जाते हैं। इसके अलावा लेट कर या मध्यम रोशनी में मुतालिया करने से भी आंखों के गिर स्याह हल्के पड़ जाते हैं। बीमारी के बाद या हम किसी खास बीमारी से उठते हैं तो इससे भी हमारी आंखों के गिर स्याह हल्के पड़ जाते हैं। इसके अलावा डाइटिंग करना, डाइटिंग करने के दौरान भी हम अपनी खुराक को बिल्कुल तर्क कर देते हैं, इससे भी आंखों के गिर स्याह हल्के पड़ जाते हैं। सुबह को नाश्ता ना करना, नज़र की कमजोरी के बावजूद चश्मे का इस्तेमाल ना करना। दोस्तों, ये ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी आंखों पर स्याह हल्के पड़ जाते हैं। अब मैं आपको इनका इलाज बताऊंगी कि कैसे हम इनसे छुटकारा हासिल कर सकें। इसके लिए बहुत ही आसान और काफ़ी ज़्यादा घरेलू टिप्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप इन पे अमल करें और अपनी आंखों के गिर स्याह हल्कों से निजात पाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि लीमू का अर्क और रोगने चम्बेली, इन दोनों को मिक्स करके रख लें और रात को सोने से पहले हल्कों पर लगाएं। इनको हल्कों पर लगाने से हल्के बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा मलमल के कपड़े को नारंगी के रस में भिगोकर आंखों पर रखें खी, और इससे भी आपकी आंखों के गिर स्याह हल्के ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा आप खीरे और आलू के कतले आंखों पर रखें, इससे आपकी आंखों की सूजन और थकन ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही आसान टिप्स हैं जिन पे अमल करके आप अपनी आंखों को खूबसूरत कर सकते हैं और स्याह हल्कों से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है, इसके लिए आपको चाहिए कॉटन वूल। कॉटन वूल के एक पैड को हल्की चाय के महलूल में अच्छी तरह तर कर लें, फिर इसे 10 से 15 मिनट अपनी आंखों पर रखें, इससे भी आपकी आंखों के स्याह हल्के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा खीरे के दो पतले स्लाइस ले लें, इनको अपनी आंखों पर रखने से आपकी आंखों की थकन दूर हो जाएगी और आपकी आंखों को ठंडक का एहसास मिलेगा। और इसके अलावा आप देखें कि आंखों में एलर्जी का मसला बहुत आम हो जाता है, तो इसके लिए सबसे मुफीद और फायदेमंद अरके गुलाब है। गुलाब के अर्क आंखों में डालने से आंखों की एलर्जी से निजात मिलती है। ये बहुत ही आसान टिप्स हैं, आप इन पे अमल करें और इनसे अपने स्याह हल्कों से निजात पाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए।